हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मंडे, इवनिंग का टाइम है। ये थोड़ा सा मैं लो फील कर रही थी एंड साथ ही साथ मूड स्विंग्स वगैरह भी होते हैं ना, जब साइकिल मंथली साइकिल्स होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो उठती हूँ, अभी वॉक पे जाती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। बट जीत का एक मीटिंग था उसी टाइम पे एंड हनी बनी भी खेल रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो फिर और मैंने पार्क जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मैं अकेले क्या जाती, तो जिम आ गई थी ऊपर हमारे बिल्डिंग के जिम में। बहुत टाइम से मैं यहाँ पर नहीं आई थी एंड इस टाइम पर बिल्कुल खाली भी था। सुबह थोड़ा सा रश रहता है बट इवनिंग को खाली रहता है। तो ट्रेडमिल पर वॉक करना थोड़ा बोरिंग लगता है बट ठीक है, चलेगा। तो मैंने वॉक किया अराउंड वही 3.4 किलोमीटर्स, 208 कैलोरीज बर्न किए, 43 मिनट्स मैंने वॉक किया। देन इसके बाद मैं चली गई वहाँ पे, जो एक वाइब्रेटिंग मशीन है, ये पता नहीं उसमें वेट लॉस होता है या पता नहीं कैलोरीज, तो वो दिखा रहा है मशीन की कैलोरी बर्न हो रहा है। बट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी रिलैक्सिंग भी लगता है एंड अच्छा लगता है थोड़ा। तो ये मैंने करीब 10 मिनट किया, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। सो आज डिनर में है राइस, दाल, अभी दाल में तड़का लग रहा है, आलू चोखा, उसी में है ना घी, हाँ, एंड साग बनेगा, प्याज काटा है। तो जीत सारा तड़का लगा रहे हैं, मैं जा रही हूँ डिनर करने। मैं बस ये बॉयल दाल थोड़ा सा ले जाऊँगी एंड हनी बनी को फिर खिलाऊँगी तड़का। दाल पहले तड़का लगा दो, हाँ गाइस। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे एंड अभी मैं आ गई हूँ किचन में। दाल चावल बन गया है, साथ में आज एक रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी बहुत दिनों के बाद। जैसे कि मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था, काफ़ी टाइम से बस कंफर्ट फूड खाने का मन करा था, दाल चावल खिचड़ी इस टाइप का, तो इसीलिए मैं रेसिपी वगैरह कुछ शेयर नहीं कर रही थी। एनीवेज, तो आज मैं परवल बनाऊंगी। परवल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बट यहाँ पे ना हर एक सुपरमार्केट में परवल नहीं मिलता है। जैसे कि कोई भी सुपरमार्केट आप चले जाओ, जैसे बैगन हो गया, भिंडी हो गया, गोभी हो गया, बहुत इजीली मिल जाता है, वैसे परवल नहीं मिलता है, कहीं कहीं पे बस मिलता है। तो कल हम लोग गए थे बॉकेट मोए में, तो बॉकेट मोए में कभी कभी मिलता है, कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी अच्छा नहीं। बट अभी शायद इंडिया में परवल का सीजन है, पता नहीं, मैं अगर गलत हूँ तो सॉरी। तो कल हमें परवल मिल गया था तो हम लोग लेके आए थे। तो आज मैं आप लोगों के साथ में परवल की एक बहुत ही अच्छी सी भरवा परवल की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत अलग सी एक थोड़ी सी, एंड जरूर ट्राई करना अगर आपको परवल पसंद है तो जरूर ट्राई करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे परवल को मैं अच्छे से पील कर लूँगी, या पीलर के हेल्प से हल्के हाथों से उसको पील करते हो तो आराम से ये पील हो जाता है, या फिर आप चाकू से भी पील कर सकते हो। तो पहले भी मैंने भरवा परवल की रेसिपी शेयर की है बट वो ओडिशा स्टाइल है, ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है, तो ज़रूर ट्राई करना। तो पील करने के बाद अच्छे से उसको वॉश कर दिया, देन हम लोग एक साइड से उसको कट कर लेंगे, मतलब पीछे का साइड क्लोज ही है, एंड चम्मच के पीछे के साइड से हम लोग सारा जो उसका बीज वगैरह है ना, ये सारा निकाल लेंगे ताकि अच्छे से स्पेस हो जाए स्टफिंग भरने के लिए। बट ये हमारा बीज वगैरह जो है हम फेंकेंगे नहीं, यूज़ करेंगे हम लोग। और एक मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, तो ऐसे ही एक साइड कट लगा के चम्मच के बैक साइड से हम लोग ऐसे ही सारा जो बीज वगैरह है ये सब निकाल लेंगे ताकि होल हो, मतलब अच्छे से जगह बन जाए स्टफिंग के लिए। तो बस ये बन के रेडी है, तो सारा ही हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। देन ये जो बीज वगैरह हमने काट के रखा था, इसको मैं ले रही हूँ एक मिक्सचर ग्राइंडर में, साथ ही साथ इसमें हम लोग मसाला जो है वो यूज़ करेंगे। तो प्याज लिया है मैंने एक छोटा प्याज, एक बड़े साइज़ टमाटर का आधा मैंने लिया है, एक इंच करीब अदरक लिया है, एंड दो लहसुन की कलियाँ ली है, एंड थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता लिया है।
अब चाहो तो धनिया पत्ता बाद में भी ऐड कर सकते हो बारीक काट के, या तो फिर ऐसे भी पीस सकते हो। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको हम लोग पीस लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे एंड उसको अभी साइड में रख देंगे। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच बेसन। तो बेसन को हल्का सा 30 सेकंड्स के आसपास उसको भून लेंगे, बिल्कुल हल्के मतलब स्लो फ्लेम में, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक उसको हम लोग भून के रख लेंगे। सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच ऑयल। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हींग एंड आधा चम्मच करीब मैं जीरा ऐड करूँगी एंड ये जो मसाला हमने पीस के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे एंड उसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जब तक ये ड्राई ना हो जाए एंड ऑयल सेपरेट होना ना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो भुना हुआ बेसन, 2 चम्मच करीब ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा बाइंडिंग बन जाएगा स्टफिंग के लिए। देन इसमें हम लोग ऐड करेंगे पाउडर मसाले जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला एंड ऐड करेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर। कोई भी ऐसे भरवा सब्जी हो ना थोड़ा सा खट्टापन आता है तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने आमचूर ऐड किया। अगर आप चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। देन स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। तो बस इस स्टफिंग को अगेन, और थोड़ा सा आप चाहो तो पानी भी ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ, और 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हम लोग भून लेंगे। तो ये हमारा स्टफिंग जो है ये बन के रेडी है। तो बस इसको हम लोग साइड कर लेंगे एंड हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद यहाँ पे परवल जो हमने काट के रखा था उसके अंदर अच्छे से हम लोग ये जो फिलिंग है ये हम लोग स्टफ कर देंगे। बहुत ही चटपटा बनता है ये, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे सारा जो है स्टफिंग हम लोग अच्छे से भर लेंगे। तो भरने के बाद ये मेरा स्टफिंग काफ़ी ज़्यादा बच गया था, तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक बॉयल्ड आलू रखा हुआ था तो ये बॉयल्ड आलू मैंने लिया। बस आलू के हिसाब से मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया क्योंकि मसाले में ऑलरेडी नमक था एंड सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो ये भी स्टफिंग आप चाहो तो ऐसा भी स्टफिंग आप बना सकते हो। इसमें थोड़ा सा चीज़ भी ऐड कर सकते हो, अगर बच्चों को खिलाना है थोड़ा सा चीज़ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास 2 शिमला मिर्च थे ये तीखे वाले, तो इसमें ना मैं ऊपर का वो करके उसका सारा मतलब ऐसे नाइफ़ डाल के उसको अच्छे से रोल कर दोगे ना तो अंदर का सारा जो बीज है वो निकल जाता है। मतलब जैसे हम लोग स्टफिंग करते हैं, जैसे आलू डाल के स्टफिंग करते हैं शिमला मिर्च, उसी टाइप का ही। तो मैं ऐसे ही मैंने दोनों साइड से काटा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा है ताकि अंदर से मतलब स्टफिंग जो है वो पूरा हम लोग भर पाए, तो इसीलिए अंदर से ऐसे ही नाइफ़ डाल के उसको रोल रोल ऐसे घुमा लेंगे ना तो अंदर का सारा जो बीज है वो सारा अच्छे से निकल आएगा एंड स्पेस बन जाएगा स्टफिंग के लिए। तो ये देखिए ये बन गया है। तो मैंने दोनों साइड काट लिया है एंड अच्छे से ये जो स्टफिंग है इसमें आलू है। आप चाहो तो खाली ऐसे आलू भी बना के डाल सकते हो, आलू का मसाला, या फिर जैसे कि मैंने बताया चीज़ डाल के भी बना सकते हो। तो बस ये हम लोग अच्छे से पूरा स्टफिंग कर देंगे शिमला मिर्च में एंड ये हमारा परवल भी ऑलरेडी स्टफ है। तो दोनों ये मेरे पास दो ही पड़े थे तो अच्छा हुआ ये काम भी आ गया। तो बस ये हमारा जो स्टफिंग जो है बन के रेडी है। तो अभी हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे, कुक कर लेंगे। तो थोड़ा सा बस मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है करीब 1 चम्मच के आसपास एंड यहाँ पे परवल एंड शिमला मिर्च मैं एक ही साथ ऐड करूँ। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी हो जाता है, परवल में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट यहाँ पे बिल्कुल फ्लेम जो है मैंने स्लो करके उसको ढक ढक के कुक किया है करीब 7-8 मिनट तक पलट पलट के, ताकि जो परवल है ये भी अच्छे से कुक हो जाए एंड शिमला मिर्च भी कुक हो जाए। तो बस ये देखिए ऑलमोस्ट एक एक साइड होने के बाद ऐसे ही पलट पलट के आपको करीब 7 से 8 मिनट लगेगा एंड ये बन के रेडी हो जाएगा। तो जैसे ये मतलब अच्छे से कुक हो जाएगा ना, हम लोग क्या करेंगे, जो हमने बेसन जो भुन के रखा था ना वो मैं यहाँ पे और 2 चम्मच ऐड कर दूँगी ताकि ऊपर से भी बहुत अच्छा एक कोटिंग आ जाए परवल में एंड शिमला मिर्च में। आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो बट एक अच्छा कोटिंग आ जाएगा एंड मसाला भी थोड़ा सा ऑयल में ऐसा निकला हुआ है ना तो मसाले के साथ में ये जो बेसन है इसका भी अच्छे से कोटिंग अच्छे से आ जाएगा, तो ऊपर का भी अंदर का तो फ्लेवर है ही बट ऊपर से भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो बस यहाँ पे ये बेसन ऐड करने के बाद और बस 1 मिनट के आसपास इसको बस हम लोग मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे ताकि ये हल्का सा करारा हो जाए, ऊपर की साइड हल्का सा करारा हो जाए। देन ये हमारा जो भरवा परवल एंड शिमला मिर्च ये बन के रेडी है। बहुत ही यम्मी बनता है, चटपटा बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। इसको आप रोटी पराठे के साथ में खा सकते हो या चावल के साथ में भी खा सकते हो, बहुत ही एक स्टार्टर के मतलब इस पे भी आप सर्व कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपकी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करना। नहीं बनी बाहर आ गए खेलने के लिए, तो ये बैठ के दरवाजे के बाहर उसको जाना है, इधर बैठना है। मायरू तो उसकी फेवरेट है। मैं
Hi, Mayuru. Before 2 days, when I was running, Bibu was running with me faster. Bibu was running faster. Look, can you close? Mai, you close your door, huh? Otherwise, she will go. Close Bivan's door also, honey. Let her be here. Thank you so much. Right, babe? Mayuru, you like Bibu? Two. Both? Simba and Bibu? Very good. Don't leave the door open, baby will be out. Okay, bunny? I'm just coming, okay? Bye. Bye, Dubu. Bye, Mayuru. Bye. आ गई हूँ मैं जिम में। आज भी जीत गए हैं JLT मीटिंग में, तो उनको आता था लेट हो जाएगा, बच्चों ने अभी पढ़ाई कंप्लीट की है, तो फिर वो सब अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलना चाह रहे हैं, अभी वो पार्क जाना नहीं चाहते, तो फिर मैं अकेली क्या जाऊँ। तो मैं आ गई हूँ जिम में, यहाँ पे मैं 1 घंटा वॉक कर लूँगी, वो अपना खेल लेंगे। मैंने डिनर कर लिया है, बाकी जीत आएंगे तो हनी बनी जीत डिनर करेंगे। यक्ष ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाचान् उच्चाटय उच्चाटय इति विभीषण कृतम् हनुमत् वर्णवानल स्तोत्रम् संपूर्णम्। अच्छा, आज मैं समझ नहीं पाया तुमने खट्टा खट्टा छुटपुटा सा क्या है, मैं आप समझ भी नहीं पाओगे। हनी बनी इस परवल को देख के बोल रहे हैं, मामा टुडे इज ट्यूजडे पूजी डे, व्हाई यू मेड चिकन? वेज वेज चिकन यू कैन हैव। अच्छा है ना, तो आम तो नहीं डाला इसके अंदर पीस का? नहीं नहीं, वही परवल का ही है, परवल के अंदर का निकाल के उसको भून के फिर से उसके अंदर चिपका दे। निकाल के सुनो, मिरेकल मिरेकल ऑपोजिट हो रहा है, बेबो सिम्बा को साफ कर रही है। बेबो के ऊपर इतना उधार है ना, एक साल तक भी चाटेगी ना तो भी सिम्बा का उधार खत्म नहीं होगा बेबो से। क्या इतना उधार है और क्या, सिम्बा ने उसको इतना एक्चुअली ऋणी बना दिया। तो गाइस जीत आपसे कुछ बात करेंगे अभी। सो गाइस नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? मैं आपके साथ में एक छोटी सी खुशखबरी थोड़ी सी शेयर की जाए। सो आपका अपना भाई, आपका अपना जीत सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे, एनुअल मिडल ईस्ट वेल्टेक फोरम होता है। सो वेल्टेक फोरम बेसिकली मतलब जो भी वेल्थ मैनेजमेंट एरिया है उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, जैसे आप लोगों ने बहुत बार ही सुना होगा फिनटेक करके, बहुत ज़्यादा सुनाई देता है आज की डेट में। तो फिनटेक वेल्टेक जो है फिनटेक का एक सब पार्ट है। सो यहाँ पे मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट एंड गल्फ में उसका एक जो वेल्टेक फोरम है, वहाँ पे जो बड़े बैंक्स, बड़े वेल्थ मैनेजमेंट हाउस, बड़े फाइनेंस हाउस से उनके CEOs, हेड वगैरह सभी को बुलाया जाता है, मतलब सभी को, मतलब जिनको वो लोग चुनते हैं उनको बुलाया जाता है, और उनको एक पैनल में डिस्कशन कराया जाता है कि क्या प्रोग्रेसिव है, किस तरीके से वेल्थ में टेक्नोलॉजी का उभार आ रहा है, किस तरीके से एनक्रोचमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी कैसे कैसे स्पेस ग्रहण करती जा रही है। सो आपका अपना भाई उधर से उन्होंने उनको मुझे सिलेक्ट किया, एंड परसों यानी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मतलब नेक्स्ट डे थर्सडे को, सो वहाँ पे एज अ स्पीकर आई बीन इनवाइटेड। सो इतने बड़े और शानदार विजडमफुल लोग होंगे, तो आपसे मेरे को लर्निंग बहुत सारी मिलेगी, प्लस आई विल ऑल्सो ट्राई टू पुट माई पॉइंट्स कि किस तरीके से वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री को शेपअप होना चाहिए, किस तरीके से टेक्नोलॉजी स्पेस को ग्रहण कर रही है, किस तरीके से हमें कूपअप होना चाहिए सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ दी थिंग्स वेरी सून। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि यू नो फॉर यू गाइज, हंस के हो रही है भाई, फॉर यू गाइज आई एम एक्चुअली, मैं बहुत दिन से प्रिपेयर भी कर रहा हूँ कुछ चीजें, यू नो आई एम नॉट अ कैमरा सेवी पर्सन लाइक
योर अर्चना। सो ये बहुत अच्छे से ब्लॉग व्लॉग बना लेती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से करूँ, क्योंकि एक होता है कि खुद जानना, एक होता है दूसरे को समझा पाना, राइट। सो इन पर्सन तो मैं बहुत अच्छे से समझा लेता हूँ, लेकिन वैसे कर नहीं पाया, तो लेकिन आपके लिए मैं लेके आऊंगा एक छोटा सा प्रोग्राम, शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, जिसमें हम लोग बहुत ईजीली समझेंगे फाइनेंस के गुण, राइट। सो जो हमारी हाउस होल्ड लेडीज हैं, जो बाकी लोग देखते हैं, ताकि वो अच्छे से फाइनेंस को मैनेज कर पाए। सो वेलटेक फोरम में देखते हैं किस तरीके से जाता है। सो एज अ स्पीकर फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग, सो विश मी लक, गिव मी लॉट ऑफ बेस्ट विशेस, अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं बनाए रखिएगा, एंड आई एम गोइंग टू पोस्ट इट राइट नाउ ऑन द लिंक्डइन ऑल्सो, सो प्लीज पुट अ थम्स अप व्हाइल गिविंग मी ऑल योर विशेस अबाउट दैट। थैंक यू सो मच, ये आप लोगों की दुआएं और ऊपर वाले की कृपा से हुआ है, तो थैंक यू सो मच, आई लुक फॉरवर्ड टू दिस वन, बाय बाय।